तो आज है मंडे और बच्चे स्कूल से आकर के सो गए थे, फिर अभी टुक टुक भी उठ गई हैं। और तारीख आज मैं बता दूँ 24 है आज अप्रैल। वेलकम बैक टू माई चैनल। शाम के बज रहे हैं इस वक्त 5:05, जैसा कि घड़ी में दिख रहा है, और टुक टुक उठ गई हैं। और यहाँ पे दर्श सो रहे हैं, अर्श झूले में सो रहे हैं, निशा भी यहाँ पे बैठी है। निशा आज सोई? सोए, मजा आया। रिद्धि सोने नहीं दे रही थी निशा को। और आज गरज रहा था दोपहर में खूब तेज से बादल। और जब मैं बीच में उठी, ये लोग सुन रहे हैं लेकिन बाहर नहीं गए कपड़े टालने के लिए। जब मैं बोली बाहर जाके देखो, उससे पहले गई थी, कह रही थी धूप दिख रहा था। जब मैं बोली तो बाहर एकदम घेर लिया था। अगर सब लोग सोते रहते आज कपड़े का क्या होता, ये गया होता सारा कपड़ा। रिद्धि यहाँ पे ले, अब ये है तो ये कह रही है जाते ना देखने, लेकिन सोए ना होते, भीग गया। जब कपड़ा ही भीग जाता तो जगने का फायदा ही क्या रहता। और रिद्धि यहाँ पे पढ़ रही है अपना स्कूल का जो भी होमवर्क वगैरह मिला है वो। और चलते हैं बाहर साइड, बारिश हो रही है मौसम, और लाइट नहीं है, लाइट कटी हुई है इस टाइम पे। बहुत भयंकर वाला घेर लिया था बादल, बहुत गरज रहे थे एकदम तार तार वाले। ये है मौसम, ये बदरी वाला मौसम, और बारिश हुई है जम के यहाँ पे। और बारिश होने के बाद जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मन में शांति देती। कहते हैं ना मिट्टी की जो खुशबू होती है, ये इस एरिया में पूरा पानी भर जाता है हमारा यहाँ पे जो है। और ये है बारिश, बारिश का मौसम। सो के उठे तो हैं, उठ गए थे आधे घंटे पहले ही 4:30, लेकिन थकाई थकाई, पता नहीं क्यों शरीर एकदम भारी भारी लग रहा है। थकाई अभी जा नहीं रही है एकदम से कह सकते हैं। और मौसम हो गया है ठंडा ठंडा, गर्मी में थोड़ी सी राहत मिली है इस बारिश से, तो इस तरीके से चल रहा है। तो इधर साइड मैं जा रही हूँ, पार्सल आया हुआ है, और बस आगे आ चुके हैं वो जिनसे पार्सल लेना हुआ है। फ्लिपकार्ट से की हुई है हमने शॉपिंग। तो यहाँ पे बस ये है बमटम का डायपर, बाबू के लिए मंगाए हुए थे। बाबू का डायपर ख़त्म हो गया था, तो ये था कि पहले ही मंगा लिए थे। इससे पहले छोटा सा मम्मी पापा को पैंट हस्बैंड जी लेकर के आए थे, 2 दिन पहले ही डायपर ख़त्म हो गया, तो वो रखा था आज और बस चलता। लेकिन चलिए फाइनली आज डायपर आ गया है, तो बस लेकर के घर में चल रही हूँ मैं। पूरी अब नहीं है बेटा। हाँ ये लो पार्सल तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए कहाँ है? मैं ये पहनूंगी पार्सल को। हाँ ये सो रहे हैं अभी, यहाँ पे चाय पराठा खा के यहीं पे रख दिए हैं, इसको हटा देते हैं। चुक चुक खाया आपने, हटा दे। अच्छा चलो फिर इसको रख देते हैं। ये कहो आज आ गया डायपर, नहीं तो क्या पहनाते हैं? आपके पास नहीं था? नहीं खत्म हो गया वो, कल लास्ट में मैंने पहना दिया ना, 2 मम्मी पॉप को पैंट का बचा हुआ था। तो इधर साइड बाहर फिर से आंधी आने लग गई है, और इतना ठंडा मौसम हो गया ना, बारिश हो गई तो उसके बाद फिर इस तरीके से खूब तेज वाली आंधी आ रही हो। इतना अच्छा लग रहा था मौसम कि मैं क्या बताऊँ, ठंडा ठंडा वाला। कई जगह पे तो ओले भी गिरे थे बारिश के साथ, बर्फ जो होते हैं। चिड़ियों की चहचहाट के साथ कोयल की आवाज़ आ रही थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था।
पूरा हवा चल रहा है, बहुत अच्छी सी ठंडी ठंडी हवा। उसके बाद डायरेक्टली आपसे हम रात में मिल रहे हैं यहाँ पे, और बस हस्बैंड जी भी ड्यूटी से आ गए थे, आ जाते हैं वो कभी कभी 6:30 कभी 7:30 ऐसे बढ़ जाता है, और कभी कभी रात में उनको वापस भी ड्यूटी जाना पड़ता है। तो अर्धदर्श की एक्टिविटीज़ की बात करूँ, 12 महीने कंप्लीट हो गया है, तो ये लोग हंसने बोलने खेलने ये सब चीज़ें होने लग गया, बुलाओ तो आते हैं पास में, और कुछ दूर चल करके गिर भी जाते हैं, और कोई चीज़ मांगो दो तो वो ला करके देते भी हैं। तो कई चीज़ें एक्टिविटीज़ हो गई हैं, नकल भी करने लगे, जैसे कोई भी नकल आप करेंगे, क्लैपिंग करवाना, बाय करना, और जैसे कुछ भी आप थोड़ा सा सिखाते जल्दी से कैच कर लेते और उसकी नकल करने लगते हैं। बोलने के लिए मैं बोलूँ तो बोलने में ये लोग मम्मी पापा यही दो वर्ड अभी बोल रहे हैं, ऊ आ बस ऐसे ऐसे करते हैं, बू आ मुँह से निकलता है लेकिन क्लियर नहीं निकलता, अभी दीदी भी नहीं बोलते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ करने लग गए हैं, इनके में ये सब डेवलपमेंट हो गया है, और काफ़ी अच्छा लगता है। हस्बैंड जी आते हैं ड्यूटी से तो इन लोगों के साथ लगते हैं, खेलते हैं लगभग 1-1 घंटा। उसके बाद फिर यहाँ पे रिद्धि टुकटुक को वो पढ़ा रहे थे, क्योंकि आजकल ट्यूशन वाली छुट्टी पे गई हुई है ना, तो 2-3 दिन से ट्यूशन वाली नहीं आ रही है, तो दिन में मैं भी देख लेती हूँ, रात में वो आते हैं तो वो भी देख लेते हैं। और अर्श आजकल सोफे पे से बेड पे भी चढ़ जाते हैं, ये बड़े वाले देखे अपने आप चढ़ गए थे सोफे पे से, नीचे से ऊपर चढ़ जाते हैं, और खिलौने दूसरे वाले यहाँ पे खिलौने खेल रहे थे, पढ़ाने नहीं दे रहे थे, पापा को डिस्टर्ब कर रहे थे, दीदी को कि मत पढ़ाओ मेरे साथ खेलो जैसे खेल रहे थे, लेकिन इनका स्कूल का होमवर्क वगैरह भी देखना पड़ जरूरी होता है ना। तो आजकल दोनों बच्चियों को भी कह सकते हैं, दोनों ट्विंस के साथ दोनों बेटियां जो मेरी स्कूल जाने वाली है उनको भी संभालना होता है, और बच्चों को संभालते हुए वीडियो एडिटिंग कर पाना बहुत मुश्किल होता है, वीडियो बना पाना। तो लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं, और आपके प्यार की ज़रूरत है, अपना सपोर्ट इस तरीके से बनाए रखिए। चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो बस यहाँ पे जो मेरी ननंद है वो आम काट रही थी, आम की चटनी बनाने के लिए शाम में, तो आम की चटनी रहेगी, दाल रहेगा, चावल सादा खाने का मन था क्योंकि सुबह पराठा वगैरह हो गया था और सब्जी मसालेदार हो गई थी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे दर्श को मैं दूध पिला रही थी, और बस रिद्धि टुकटुक अभी भी पढ़े थे, लगभग 1-1 घंटे दोनों बच्चों को पढ़ाए। चारों बच्चों को संभालना भी है और साथ में घर के बाकी काम भी करने रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है लेकिन सब हो जाता है, बस हिम्मत है। तो चलिए फिर इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय एवरीवन।